क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका कौन मृत कर पाता है मेरे को तो ये बता दो कि अगर अगर एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज अ सर्कल, इस पे एक टेंजेंट है, बाहर से आया था भाई वो टेंजेंट, इसको टच करके यहाँ चला गया, ये सर्कल का रेडियस है आर है, और मेरे पास ये एंगल 30 डिग्री कितना है, 30 डिग्री, कोई मुझे बता दे एंगल ये वाला, तो मैं मान जाओ बड़ा मजा आएगा इस एंगल को निकालने में, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी, आई वॉन्ट द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, है कोई माइका लाल जो एंगल ए पी बी का मेजर बता सके, 60 डिग्री, इसका आंसर 60 डिग्री है, क्यों बेटा, क्योंकि देखना अगर ये 30 है तो ये भी रेडियस है, तो ये ऐसे जस्ट ट्रायंगल हो गया, तो ये 30 हो गया, तो ये 30 तो ये 30 सर, क्योंकि आर आ रहा है ना बेटा, तो ये वाला कितना हो गया बताओ, तो ये हो गया 120, और अभी आपने सिखाया था कि ये 120 है तो ऑटोमेटिकली वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए पी बी इज 60 डिग्री। अच्छा मैं किससे पूछूं, मुझे एंगल पी बी ए बताए, एंगल पी बी ए, तो देखो ना यार पी बी ए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप यहां से क्यों सोच रहे हो, अगर ये 30 है ऑटोमेटिकली ये पूरा एंगल कितना होता है 90, तो बचा हुआ ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब थोड़ा सा इसको अगर आईपीएम टाइप का क्वेश्चन कर ले तो जानबूझ के वो क्या बोल देते हैं, जानबूझ के बोल देते हैं कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 5, लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है 5, और तुमको बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो उन गधों को बोलो भाई हमने टेंजेंट पढ़ के रखा है, हमने टेंजेंट पढ़ के रखा है, मतलब आप उनको 30 बता रहे हो, इस 30 की ट्रिक से बेटा म्यूट कर लो, पढ़ाई बेटा म्यूट कर लो, और कौन कौन है अनम्यूट पे बेटा एक बार देख लेना, ये 30 था तो हमने इसको 120 निकाला, ये 120 था तो हमने इसको 60 निकाला, ये 60 था तो हमने दिमाग लगाया कि ये दोनों साइड भी इक्वल ही है, क्योंकि सर अभी तो आपने बताया टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो PA is equal to क्या हो जाएगा PB, PA is equal to PB हो जाएगा, तो अगर ये यहां से 60 है तो ये यहां से भी कितना हो जाएगा 60, तो 60 60 60, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अगर ढंग से देखे तो सर ये तो √3/4a² स्क्वायर, तो इसकी साइड कितनी है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/4 into 5 का स्क्वायर, मतलब 25√3/4, काश ऐसा क्वेश्चन आता तो अच्छा भी था, 25√3/4 वो तो पूछ सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालो, अब सर इस वाले ट्रायंगल का एरिया कहां से निकालें, प्रॉब्लम की बात है कि अगर वो बोलते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो तो अपन इस वाले ट्रायंगल का एरिया कहां से निकालेंगे, बेटा तरीके तो बहुत सारे हैं, उन तरीकों में एक तरीका है कि मैं यहां से खींचूंगा ऐसा 90, अब अगर यहां से किसी को ये 90 दिख रहा हो तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो भाई 2.5 हो गया और 2.5 हो गया, मतलब ऊपर 2.5 और नीचे भी कितना 2.5, तो सर इसमें हम क्या करें, अगर 2.5 हो भी गए तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, अरे बेटा एक बात समझ, अगर मैं देखो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री ले जाऊं तो सर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये मेरा थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ठीक है बेटा ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अब जिन बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं पता है वो भी मैं कराऊंगा, चिंता मत करो जिनको नहीं पता वो कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर समझे तो ट्रिग्नोमेट्री में tan 30 ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया, ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया, ये अपना क्या हो गया हाइपोटेनस, तो tan 30 होता है बेटा 1/√3, क्या होता है tan 30 होता है 1/√3, अब p तेरे पास कितना है, सर p तो मेरे को नहीं पता, p नहीं पता, लेकिन क्या बेस पता है क्या बेटा, बेस तो बेस कितना हो गया 2.5, बेटा बेस कितना है 2.5, इसको अगर ऊपर ले जाएगा ढंग से देखेगा तो तेरे पास p, मतलब ये p, ये कितना आ गया तेरे पास 2.5/√3, तो सर इससे हम क्या करेंगे, अरे धत ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना, उसके बाद
उसके बाद अगर मैं इस फिगर को ढंग से बना के दिखाऊं कि तेरे को इसका एरिया निकालना है, तो ये रहा था गोला और ये था तेरा ऐसा, और ये इसको अगर अपन यहां से ऐसी लाइन खींचते हैं, ये था अपना सेंटर से ये और अगर आपने को इसको तो पता ये पूरा कितना था 5, ये पूरा था 5 और यहां से ये हाइट आ गई अपनी, हाइट क्या आ गई अपने पास, ये जो पी आ गया, तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं बोल सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, हाफ बेस इनटू कितना हाइट, तो बता इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 5, हाइट कितनी है, हाइट एरिया है वो कितनी है बेटा 2.5/√3, तो अगर तू ढंग से देखेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5/√3 इस वाले ट्राइंगल का। सर आपने तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सिखा दी। हाँ बेटा मैंने ग्रुप पे भी लिख के रखा था कि बहुत कुछ ये सिखाऊंगा, पहले तो तुमने एंगल निकाला और जैसे तुमने एंगल निकाला खुद को शाबाशी दी, वाह यार हमको एंगल निकालना क्या, अरे सिर्फ एंगल थोड़ा निकालना था, एंगल के बाद देखो इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल के बाद इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और हो सकता है तुमसे पूछ लें कि फिर इस वाले एरिया का जो बचा हुआ एरिया है उसका एरिया कैसे होगा, तो सर हम कैसे निकालेंगे, अरे बेटा उसका भी तरीका है, उसका भी तरीका है कि तू पहले एरिया ऑफ सर्कल में से इतना एरिया माइनस कर दे। अब इतने एरिया का मतलब क्या, ये ट्राइंगल प्लस ये सेगमेंट, ये ट्राइंगल प्लस ये सेगमेंट, तो क्या सेगमेंट निकालना भी सिखाओगे? हाँ यार बेटा, तो बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है पहले यहां तक समझो, अपने जहन में डालो, फिर अपन आगे। एक सर्कल है बेटा, उस पे टेंजेंट है, तो ये PQ एक कॉर्ड है जिसमें टेंजेंट बाहर कहां से है, T से। लेंथ ऑफ PQ है हमारे पास कितना 8, और सर्कल का जो रेडियस है, जो रेडियस है वो रेडियस गिवन है हमको 5, रेडियस गिवन क्या है 5। मेरे को तो आपसे सिर्फ PT चाहिए, मुझे बस ये PT निकालना, टू फाइंड आपको मैंने दे दिया कि मुझे PT निकालना, तो देखिए कितने बच्चे PT निकाल पाते, कितने बच्चे PT निकाल पाते हैं। सर गेम स्टार्ट कहां से होगी? सर पहले तो बता ये कितना तेरे पास 5, बिल्कुल सही, तो सर ये भी कितना होगा 5, बिल्कुल सही। एक बात है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट, और तो अगर ये पूरी 8 थी तो ये होगा 4 और ये कितना होगा 4, तो आपको ये 4 4 भी मालूम पड़ गया, तो अब क्या करें? अरे बेटा बहुत इजी है, समझ में सबसे पहले तो मुझे बता ये 90 डिग्री है, ये 5 है, तो मुझे तो पाइथागोरस से पहले तो मुझे ये निकालना है, क्या इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ एम, सबसे पहले तो मुझे ओ एम निकालना है, ये ओ एम हो कितना, जाएगा। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने बोला तो उनको समझ में आ जाएगा ओ एम इज इक्वल टू कितना 3, पाइथागोरस से आया, कैसे आया पाइथागोरस से, अपन बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ एम का स्क्वायर, और ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओ एम कितना आ गया अपने पास 3, ये तो सर ओ एम इज इक्वल टू 3 आ गया, लेकिन सर ओ एम इज इक्वल टू 3 ला के अभी हम क्या करेंगे? मैंने बोला यार ये बात भी तुम्हारी सही है कि OM is equal to 3 लाके तुम क्या करोगे? थोड़ा सा मुझे अब गेम को आगे बढ़ाना है कि मैं चाहता हूं कि अब अपन क्या निकालें सबसे पहले इसके अंदर, कि क्या तुम बोल सकते हो आराम से कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है यहाँ पे ये कितना है 90, भाई यहाँ से भी 90 और यहाँ से भी 90, क्यों? टेंजेंट टू रेडियस इज ऑलवेज व्हाट 90, टेंजेंट टू रेडियस इज ऑलवेज व्हाट 90। अब अगर नहीं। तुमको यहां तक 90 तक का पता है तो थोड़ा बहुत चले जाता हूँ थोड़े से ट्राइंगल की सिमिलरिटी में। अब सर इस सिमिलरिटी में आप कहां से जाओगे? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल, इन दिख रहा है बेटा, अब देखो इन ट्राइंगल, या मैं उधर इसको ऊपर ही करता हूँ पर ढंग से देखे तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, अब सर ये ओ एम क्यू कहाँ है? ये ओ एम क्यू, ओ एम क्यू दिखते सबको, ओ एम क्यू हाँ एंड ट्राइंगल ओ क्यू टी, एंड ट्राइंगल कौन सा? ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, इतना बड़ा ट्राइंगल। सर ये दोनों ट्राइंगल थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं, सर क्यों?
सिमिलर का मतलब होता है किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाए, इसके दो एंगल इज इक्वल टू उसके दो एंगल, तो वो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, इसके दो एंगल इज इक्वल टू उसके दो एंगल। तो सर ये कैसे होगा? अरे बेटा सुनना, इसका एंगल एम और उस बड़े वाले का एंगल क्यू, छोटे वाले में एंगल एम और बड़े वाले में एंगल क्यू, दोनों कितने 90, छोटे वाले का एंगल एम, छोटे वाले का एंगल एम और बड़े वाले का पूरा एंगल क्यू, पूरा एंगल क्यू वो कितना है 90। तो छोटे वाले में भी यही एंगल हो है और बड़े वाले में भी यही एंगल हो है, तो छोटे वाले में भी यही एंगल हो है, बड़े वाले में भी वही एंगल हो है, तो एंगल और एंगल हो क्या सिमिलर। तो मैं बोल सकता हूं क्या इसके हिसाब से दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए मतलब ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके तीन का सम भी 180 होता है, उसके तीन का सम भी कितना होता है 180। तो इसके दो एंगल अगर उसके दो एंगल से इक्वल है, इसके दो एंगल अगर उसके दो एंगल से इक्वल है, तो दोनों का तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल। अब अगर अपन आगे बात करें बच्चे, तो बच्चे बोल सकते हैं कि सर ट्राइंगल MOQ is similar to triangle, यहां से क्या QOT। अभी सर ये सिमिलरिटी थोड़ा और समझाना। हाँ बेटा लेक्चर का पार्ट है अपने, या तो आज के लेक्चर में पार्ट हो जाएगा या एक पूरा ट्राइंगल्स के ऊपर लेक्चर लूंगा, जैसे आज सर्कल्स के ऊपर लेक्चर लिया। इसे ये ट्राइंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा बेटा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा था कि इनके आपसी रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। अब सर रेशियो का मतलब क्या, इसका जो एमओ है, इसका एमओ अपॉन में इसका क्यूओ इज इक्वल टू इसका ओक्यू अपॉन में इसका कितना बेटा ओटी, और इसका एमक्यू इज इक्वल टू उसका कितना क्यूटी। एमओ क्यूओ ओक्यू ओटी इसका एमक्यू और अपॉन में उसका कितना क्यूटी, उसका कितना क्यूटी। अब अगर अपन बात करें आराम से, तो सर आप समझाना क्या चाहते हो बेटा, देखना बेटा एमओ कितना है बोल। सर क्यूओ पता है क्या आपको, ये रहा क्यूओ, ये रहा क्यूओ कितना 5, तो इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू क्या ओक्यू, ओक्यू सर वापस से ओक्यू हो गया 5 अपॉन में क्या ओटी, ओटी ठीक है सर। अब आपको एमक्यू पता है क्या, एमक्यू हां सर एमक्यू भी पता है हमको, एमक्यू कितना हो गया 4, 4 इसके अपॉन में क्या है क्यूटी, पता क्यूटी सर, क्यूटी तो नहीं पता है, निकल जाएगी 2 मिनट में, पता क्यूटी अपने को निकालनी क्या है, अपने को निकालना है पीटी ना, चले जा क्यूटी पे, मैं इसको और इसको आपस में इक्वल करूं तो 3/5 इज इक्वल टू 4/ क्या क्यूटी, अगर इसको उधर भेज दो क्यूटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3। और मेरे भाई जो क्यूटी है तेरा, अगर ये 20/3 है तो पीटी भी कितना होगा 20/3, अगर ये 20/3 है तो ये भी तेरा कितना होगा 20/3। सर क्या क्वेश्चन करा रहे हो यार, थोड़ा रुक भी जाओ बेटा, प्रॉब्लम की बात ये है कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ना लॉलीपॉप दे पाते हैं। द क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। लेंथ ऑफ सर्कल टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, ये रहा भैया क्यू से टेंजेंट है ये 24 है और सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 है, सेंटर से इसका डिस्टेंस क्यू का 25 है। अब देखता हूं कितने बच्चे, मुझे तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो पाइथागोरस ही लग रही है इसके अंदर, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ये देख लेना बेटा यहां पे 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर r का स्क्वायर, क्वेश्चन तो कहीं से कहीं तक टफ नहीं था याला, क्या समझ में आया याला क्वेश्चन, आर इक्वल टू कितना आ गया 7, हां भैया इक्वल टू कितना आ गया 7। अब अगर मैं गेम को आगे बढ़ाऊं और अच्छे से आगे बढ़ाऊं आप लोगों की खिदमत में, तो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर कर पाता है। आप देखें जरा इसमें कितना है दम, ये ए बी सी डी है ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है
ए बी सी डी है और मेरे पास ए बी इज इक्वल टू है 5 और डी सी इज इक्वल टू है 8, मुझे चाहिए फाइंड टू फाइंड ए डी प्लस बी सी. फाइंड क्या चल रहा है, ए डी प्लस बी सी. आ देखे जरा कितने लोग कर पाते हैं. चलो देख यार बहुत इजी था पॉइंट, इसके लिए देखो दिमाग ये लगाना चाहिए. अगर ये पी क्यू आर और एस तो देखो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा टेंजेंट वाला यार. तो टेंजेंट वाला मतलब क्या, सबसे पहले तो बोल कि मैं बोल सकता हूँ एस और ए पी इक्वल है, अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स. तो सर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या मैं बोल सकता हूँ पी डी और डी आर इक्वल है, हाँ यार ये वाई है, ये भी कितना वाई है. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या मैं बोल सकता हूँ आर सी और क्यू सी इक्वल है, हाँ यार अगर मैं इसको मान लू पी तो ये भी कितना हो जाएगा पी, या पी पी की जगह पर इसको मान लेते हैं डब्ल्यू, अगर ये डब्ल्यू तो ये भी कितना हो जाएगा डब्ल्यू. और अगर सर ये बी क्यू इज इक्वल टू बी एस हो जाएगा तो ये हो जाएगा जेड, तो ये भी कितना हो जाएगा जेड. तो मेरे को सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे क्या ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी का मतलब ही क्या हो, ए डी, ए डी मीन्स x plus 1, AD means x plus 1 and BC means बोलो बोलो W plus Z, Z plus Z, Z और वहां से अगर अपन AB और DC को देखें, AB और DC को तो बता AB का मतलब क्या, AB, AB तो अगर अपन AB की बात करें तो AB की बात करें तो बता AB क्या है तेरे पास x plus कितना Z और DC की बात करो तो तेरे पास ये कितना हो जाएगा W plus Y. अब अगर तुम देखो तो AD plus BC, AD plus BC is equal to AB plus DC, AD plus BC is equal to AB plus DC. अगर बच्चों को ये समझ में आ गया हो तो बच्चे मान सकते हैं कि सर जो ये होगा 13, तो 13 कैसे आएगा, 8 है 5, तो ये भी कितना होगा 13. इसमें थ्योरम लग रही थी प्रैक्टिकली टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम लग रही थी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. क्वेश्चन बड़ा अच्छा, तो मजा आएगा. चले मेरे पास एक क्वेश्चन चल रहा है कि ये तो एक सर्कल रहा, यहाँ से एक टेंजेंट हो गया एक्स वाई और यहाँ से भी एक टेंजेंट हो गया पी क्यू और यहाँ से भी एक टेंजेंट हो गया लेट्स से ए बी और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम एंड एन. मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहिए एंगल एम ओ एन, मुझे सिर्फ आपसे एंगल एम ओ एन की मदद. क्या आप मुझे एंगल एम ओ एन, क्या आप लोग मुझे एंगल एम ओ एन निकाल के दे सकते हैं, जोड़ लिए तो ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्वेंट कैसे हो गए बेटा, सुनना यहाँ से. ये तेरे पास 90 तो ये तेरे पास 90, ठीक है यहाँ तक, ये 90 क्यों सर, टेंजेंट टेंजेंट है, ठीक है कॉमन कॉमन, ये भी आर ये भी आर, तो आर एच एस से ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए, इवन ये भी तो इक्वल होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों ट्रायंगल तो क्या हो गए कॉन्वेंट. तो इससे अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा एक्स. सर एक बार फिर से ट्रायंगल देख कौन कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ, अगर इसको अपन नाम दे दें लेट्स से इसको नाम दे देते हैं अपन आर, तो आर ओ एन और इसको अपन नाम दे देते हैं लेट्स से एस और एस ओ एन, रॉन एंड सॉन अगर देखना है रॉन एंड सन बेटा इसका ये तो ओ एन और ओ एन क्या हो गया कॉमन. अगर ओ एन ओ एन कॉमन है ओ एस इज इक्वल टू क्या है ओ आर, दोनों क्या है रेडियस, ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, ओ एस इज इक्वल टू ओ आर. और अगर अपन बात करें तो ये भी तो सेम ही है, SN is equal to NR, क्योंकि tangents from external point, tangents from external point, tangents from external point. तो सर ये ट्राइंगल क्या होगा SSS से क्या होगा congruent, और अगर ट्राइंगल congruent है तो बेटा अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा y, तो ये देख x x y y, ये जो पूरा एंगल है 180 हो रहा है, तो x plus y plus y is equal to कितना 180, तो twice of कितना x plus y is equal to 180, x plus y is equal to कितना 90, x plus y और ये रहता है x plus y, तो angle M O N,
MON is equal to 94. एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 94 यू. उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. बैकअप रिवीजन. सर्कल की पहली थ्योरम ये बोलती है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बायसेक्टर कॉर्ड. मतलब सर अगर ये ए बी लाइन है तो इफ इफ फर्स्ट थ्योरम हैशटैग 1 इफ ओडी परपेंडिकुलर टू क्या है ए बी. ओडी परपेंडिकुलर टू क्या है ए बी. इट मींस देन देन AD is equal to क्या होगा DB. bisect कर देंगे. perpendicular from center bisect the chord. दूसरी theorem इसकी उल्टी होती है. इस बेटा वो please mute करो अपने आप को. if AD equal to कितना DB. if AD equal to अगर DB then confirm है कि OD perpendicular to क्या होगा AB. ये theorem थी. ये theorem का converse थी. तो second theorem क्या बोलती है. second theorem फटाफट ये बोलती है कि अगर दो chords अगर दो सर्कल की कॉर्ड्स ए और यहाँ से सी डी अगर दो सर्कल की कॉर्ड्स इफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इफ ए बी इक्वल टू सी डी. इफ ए बी इक्वल टू क्या है सी डी. समझे जाना ना. ए बी इक्वल टू क्या है सी डी. बेटा म्यूट करो अपने आप को सब लोग. इफ ए बी इक्वल टू क्या है सी डी. इफ ए बी इक्वल टू सी डी है तो इनका सेंटर पे बनाया हुआ एंगल एंगल वन इक्वल टू क्या होगा एंगल टू. आपकी थ्योरम नंबर थी थ्री. मेरे पास एंगल थ्योरम नंबर फोर ये थी कि इफ एंगल एंगल क्या बेटा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. इफ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू देन क्या होगा ए बी इक्वल टू कितना सी डी. मेरे पास फिफ्थ थ्योरम थी. आपके पास मेरे पास फिफ्थ थ्योरम ये बोल रही थी कि एक सर्कल है अगर उसकी ए बी इक्वल टू क्या है सी डी तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा सेम. इसका मतलब सर आप क्या करोगे इफ इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन ओ एम इज इक्वल टू व्हाट ओ एम. सिक्स इसकी उल्टी थी. इफ ओ एम इज